वर्ग और वर्गमूल को हम आगे बढ़ाने के पहले हम कुछ और चीजें जान लें तो बेटर रहेगा। पहले एक साधारण तरीके से तो हमने देख लिया कि कैसे ज्ञात करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब हमें ज्ञात करना है कि भागफल विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है, इसके बारे में जानना है। तो उसको करने के पहले हम कुछ चीजें अगर मेमोराइज कर लें, मेमोराइज मतलब अपने याद में बढ़ा लें, तो हमको वो काम करने में आसानी रहेगी। और गणित का मुख्य उद्देश्य क्या है कि हर चीज को समझना और उस चीज को आसान करना, ना कि उसके उलझे रहना। तो देखिए किया क्या है, यहाँ पर एक संख्या लिखी हुई है और उसका वर्ग, और ये होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे मान लीजिए एक संख्या 10 है, तो अभी आपने पढ़ा है पीछे कि किसी संख्या का उसी संख्या में यदि गुणा कर दे तो प्राप्त संख्या वर्ग कहलाती है। तो ये 10 का अगर 10 में गुणा करते हैं तो यानी कि वर्ग संख्या 100 प्राप्त होती है। तो ये जो 100 होता है ये क्या है, ये दरअसल क्या है कि 3 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। कई बार क्वेश्चन में ऐसा पूछ लेते हैं कि 3 अंकों की सबसे छोटी वर्ग संख्या का नाम उनका मान बताओ, तो आपको मेमोराइज रखिए दिमाग में थोड़ा सा ये पहले से भर के रखिए कि वह छोटी संख्या 3 अंकों की जो होती है वो 100 होती है। इसी तरह 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी, इसी तरह 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो होती है 961, और जिसका अगर हम वर्गमूल निकालें यानी संख्या या वर्गमूल निकालें वो कहाँ से आती है, 31 से। यानी वो संख्या 31 है और इसका वर्ग जो है 61 है, 961 है, यानी कि 961 का वर्गमूल 31 है। और वह क्या होती है 931 जो 61 है, ये क्या होता है 961 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। इसी तरह 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है, 4 अंक से सबसे छोटा अंक क्या होगा, वैसे 1000 होगा। 1000 की से मिलता जुलता कोई ना कोई नजदीकी 1000 के आसपास जो पहला अंक आएगा वो कहलाएगा, जो पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी वो होती है 1024। और ये किसका होता है, ये 32 का वर्ग होता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी, 1024। और इसी प्रकार 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगी 9801, जो कि 99 का वर्ग है। तो ये 4 अगर हम लाइनें याद रखें कि 3 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 100, 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 961, और 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 1024, और 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 9801। इतना अगर हमने याद कर लिया या ध्यान में रख लिया तो हमें अभी आगे जब हम काम करेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें आसानी होंगी। और इन चारों इन मतलब ये जो 4 चीजें जो अभी हमने पढ़ा और इसका ये वैल्यू पढ़ा, ये अगर हम याद रखें तो यकीन मानिए कि वर्ग और वर्गमूल का काम करने में इतना ज्यादा आसान हो जाएगा कि अभी जैसे जैसे आप बढ़ेंगे तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा। और इनके वर्गमूल कहाँ से आते हैं, ये इनके वर्गमूल होते हैं, ये टेबल आपको याद रखनी है जिससे हमारा काम आसान हो गया। चलिए अब एक इसमें और आगे बढ़ेंगे तो सवाल जब आगे आगे कॉम्प्लिकेटेड होते जाते हैं, जैसे जैसे कठिन होते जाते हैं, तो हमें कुछ चीजें फिर ध्यान रखनी पड़ती है। तो वो हम पहले से समझ लेते हैं कि एक पूर्ण वर्ग संख्या में यदि एन एन अंक है, जैसे ये यहाँ पर अंक है, 3 अंक है ना, तो क्या करते हैं, और इसमें देखेंगे इधर 4 अंक है, तो ये हम समझेंगे कैसे, जबकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि यदि 1 या 2 अंक है तो क्या होगा, 3 से 4 अंक है तो कितने अंकों पे हमें तलाशेंगे, और 5 से 6 अंक है तो कितने अंकों में तलाशेंगे, ये हम पढ़ चुके हैं। लेकिन वो आता कहाँ से, वो इस सूत्र से आता है। तो यदि पूर्ण वर्ग संख्या में एन अंक हैं तो उसके वर्गमूल में एन बाई टू अंक होंगे। उदाहरण लेते हैं, यदि एन सम है, सम मतलब होता है जैसे मान लो पूर्ण वर्ग संख्या में कितने अंक हैं, 4 अंक हैं, तो यदि पूर्ण वर्ग संख्या में 4 अंक हैं तो क्या होगा, उसका आधा, यानी कि 4 अंक हैं तो वो हो जाएगा एन बाई टू, यानी 4 का आधा 2। तो उसके जब हम वो वर्गमूल निकालेंगे तो उसके वर्गमूल में हम देखेंगे कि उसमें 2 अंक मिले। और यदि 5 अंक हो जाते हैं तो एन बाई टू यानी 5 में से 1 जोड़ेंगे 6, 6 में 2 का भाग देंगे तो हो जाएगा 3। अर्थात यदि 5 अंक हैं तो हम किस में जोड़ेंगे, 3 में। तो
तो इसका मतलब हो गया कि यदि एक या दो अंक होंगे तो हम उसको एक अंक में ढूंढेंगे, तीन से चार अंक हैं तो उसमें हम किस में ढूंढेंगे, तीन अंक में ढूंढेंगे, और पांच से छह अंक हैं तो हम उसमें तीन अंक में ढूंढेंगे। इस तरह हमारा ये क्रम बढ़ता चला जाएगा, और वो जो आता है इस सूत्र से आता है। इसको याद रखिए, अभी जैसे जैसे इस्तेमाल होगा उसका आपको और ज्यादा तरीके से स्पष्ट कर पाएंगे। तो वे संख्याएं जिनमें दशमलव के कुछ निश्चित स्थान बाद, जब भी अभी हम भाग देंगे भाग की प्रक्रिया से, तो कुछ निश्चित स्थान बाद यदि भाग की क्रिया समाप्त हो जाती है तो उन्हें शांत दशमलव संख्याएं, उनका नाम है शांत दशमलव संख्याएं। जैसे पांच में चार का भाग दीजिए तो क्या आ जाता है, 1.25 और खत्म। तो हम कह देंगे यानी कि आगे का ज्यादा भाग देने की जरूरत नहीं पड़ी और वो पूरी तरह समाप्त हो गया, यानी लास्ट में 0.0 या एकदम क्रॉस हो गया। तो हम कह देते हैं कि ऐसी संख्याओं को शांत दशमलव संख्याएं कहा जाता है। और इसी का ठीक उल्टा कि वे संख्याएं जिनमें दशमलव की क्रिया कभी समाप्त हो नहीं, यानी आप भाग देते जा रहे हैं कुछ बचता जा रहा है, फिर शेष बचेगा, फिर आप उधार लीजिए, फिर शेष करिए, फिर शेष करिए, फिर शेष कितना भी कर लीजिए, वो शेषफल अंत में खत्म ही नहीं होता है। जब शेषफल खत्म नहीं होगा तो भाग की प्रक्रिया बढ़ती चली जाएगी। ऐसी स्थिति में हम उनको क्या बोल देते हैं कि ये संख्याएं जो आएंगी उन्हें अशांत दशमलव संख्याएं कहेंगे, या वैसी संख्याएं जिनमें भागफल एंडलेस चलता रहता है, मतलब खत्म ही नहीं होता, तो हम कह देंगे वो अशांत दशमलव। नहीं, जैसे आंधी चल गई बिल्कुल अशांत स्थिति पैदा होगी, ठीक उसी प्रकार से भाग भी होता है। अब आगे जब काम करेंगे तो समझ लेंगे। अभी उदाहरण समझे, जैसे कि वर्गमूल जिसमें लग जाता है दो का, जिसका वर्गमूल लगा पूरा पूरा खत्म हो गया तो शांत हो गया। अब दो का वर्गमूल निकालिए, खत्म ही नहीं होता, चाहे नीचे तक चलिए, अभी हम करके देखेंगे कुछ देर में। इसे तीन का वर्गमूल निकालेंगे, वो भी नहीं खत्म होएगा, 1.3। और ये ऊपर डंडा लगा रहता है, इसको बार बोलते हैं। बार का मतलब होता है कि 1.33333 बढ़ाते जाओ जितनी मर्जी हो, वो कभी खत्म ही नहीं होगा। जब कोई चीज खत्म नहीं होती है, जो और वही वही संख्या बार बार पुनरावृत्ति होती है, तो उस पुनरावृत्ति को बार बार पुनरावृत्ति न करके हम उसके ऊपर बार लगा देते हैं, चाहे एक संख्या मतलब बार बार आ रही है, या दो संख्या, या तीन संख्या, मतलब जितनी संख्याओं का या जितनी अंकों का बार बार पुनरावृत्ति होती है उन अंकों के ऊपर हम एक डंडा लगा देते हैं। इसे हम पढ़ते हैं बार, है ना। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 1.3 का बार। ये बात समझ पा रहे हैं, तो फिर चलिए कुछ सवाल लेते हैं। अब जैसे हमने भागफल विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है इस पर एक एक करके लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 529। अब 529 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड वाले विधि में तो जान चुके हैं, अब इसको कैसे करना है भागफल विधि में, तो हम कैसे लिखा जाता है इसको। लिखा हमने जैसे यहाँ से 529 लिख दिया, और भागफल विधि में क्या, गुणनखंड विधि में ऐसे लगाते थे, इसमें कैसे लगाना है, इसमें चिन्ह ऐसे लगेगा, इसमें चिन्ह ऐसे लगता है, ठीक है, ऐसे ये वर्गमूल ही कहलाता है, ठीक है ना। तो इसको ऐसे लगाया जाता है। अब इसका हिसाब किताब कैसे किया जाता है, तो दाहिने तरफ से कहां, जैसे इकाई दहाई सैकड़ा, तो हमने को इकाई दहाई दो दो करके जोड़े बनाए जाते हैं, इधर से पहला जोड़ा फिर ये एक जोड़ा, जो बच जाता है वो लास्ट में एक ही कर दे, मतलब हमें जितने भी अंक मिलेंगे, जैसे अभी इसका बताएं करके, तो दाहिने मतलब इकाई तरफ से दो दो करके जोड़े बनाने हैं, जो लास्ट में बच जाता है उसको अकेला रख, अगर बच जाता है तो ठीक है, जोड़ा बनता है तो भी ठीक है, उसमें हमें उसमें बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है। तो अगर अकेला भी बचता है तो उसको अकेला ही रखना है। अब काम कैसे किया जाए, जैसे अभी हम लोग साधारण पहाड़ा पढ़ते थे तो 2 का 3 में 12 भी बोल देते थे, 3 का 5 बार भी बोल देते हैं ना, 7 का जितने बार भी जाता है उतनी बार बोलते। लेकिन इस विधि में जिसका आप पहाड़ा लेंगे उसका उसी में उतनी बार ही देना पड़ता है। जैसे यदि हमने एक का पहाड़ा लिया तो एक का एक बार ही लेंगे, दो लेंगे तो 2 का 2 में ही लेंगे, 3 का 3 में, मतलब वर्ग पहाड़ा इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर इस विधि में। क्लियर, मेरी बात समझ पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 5 का पहाड़ा उठाया तो किसकी बार लेना है, 5 का 5 बार ही लेना है ना, समझ पा रहे हैं। तो अब यहां पर देखिए, यहां पर एक अंक लिखा हुआ है 5, और जैसे वो तरीका होता है भाग का कि मतलब उससे ज्यादा ना हो, कम हो जाए तो चलेगा लेकिन उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो एक का अगर मैं लेता हूं तो एक का तो बहुत कम हो जाता है, 2, 2 दूनी 4, और 3 का लेते हैं, 3 तिरका 9, 9 ज्यादा हो गया, तो हमको किसके लेना पड़ेगा पहले इस संख्या के लिए,
इस संख्या के लिए हमको दो का भाग लेना पड़ेगा और भागफल यहां पर लिखा जाता है। तो दो दूनी चार, फिर उसके बाद क्या होता है, ये इसमें से घट जाता है, यानी पांच में से चार घट जाएगा तो एक बचेगा। और ये अब पहले वहां भाग में क्या होता है, एक एक करके अंक उतरते हैं, यहां पर जोड़े में उतरते हैं, मतलब दो दो करके अंक उतरते हैं। क्यों? क्योंकि वर्ग वाला काम कर रहे हैं, तो ये हर काम जो है यहाँ पर जोड़े से उतरेगा। तो यहां पर जब आप लेंगे तो ये हो जाएगा 29। अब इधर क्या होता है ये भी ध्यान रखना है। भाग में क्या करते थे हम, सीधे सीधे एक एक करके करते थे, लेकिन यहां पर थोड़ा सा चेंज होगा कि जो आपने जितनी बार भाग दिया था ये आके यहां पर एक बार जुड़ता भी है। दो दो चार, ऐसा बोल सकते हैं कि ये जितना था उतना डबल हो जाता है। डबल करके ये सबसे बढ़िया तरीका है, जोड़ के रखो, कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होगी। यानी कि जितनी बार आपने उसको भाग दिया था उसको एक बार जोड़ के जो प्राप्त संख्या वो यहां पर लिखेंगे। फिर अगला स्टेप, अब ये जो अब ये एक बचा था, अब 29 आ गया, तो अब ये 129 कहलाए। अब यहां पे ध्यान देना, अब ये जो चार है ये अगला अंक है, दहाई अंक, यानी अभी इसका जगह खाली है। यानी इस अंक का, इस अंक में जब हम गुणा करेंगे तो ये भी देखेंगे कि ये अंक इस दोनों अंक से मिलकर काम करेगा, ये इसमें थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है। तो यदि मैं यहां पर एक से तो कुछ काम चलेगा नहीं, दो लेते थे, दो दूनी चार, दो चौके आठ अभी भी कम है, तो तीन में ट्राई करें, तो तीन यहां रखेंगे, तीन यहां रखेंगे, तीन तिरका नौ और तीन चौके बारह, ये पूरा फिट हो रहा है। तो हम तीन के बाद चार क्यों ट्राई करें, क्योंकि यहाँ पूरा फिट हो रहा है। तो हम यहाँ पर तीन रखेंगे तो यहाँ पर भी तीन रखेंगे, समझ रहे हैं, क्योंकि हमको इस पे भाग देना है। तो तीन में तीन का भाग दिया, तीन तिरका नौ, और तीन में चार का मतलब भाग बोल रहे हैं, तीन में तीन का गुणा किया, अब ये तीन नहीं ये 43 कहलाएगा। तो तीन तिरका नौ, तीन चौके बारह, ये देखो इसको घटा दीजिए, इसको घटाने से ये पूरा शून्य बन गया। तो जब ये पूरा शून्य बन गया तो जो ये संख्या यहां आती है, कहां पर, ये वाली संख्या, यही इस 529, अब इसको लिखने का क्या तरीका है, इसको लिखेंगे ऐसे 529 और इसमें वर्गमूल चढ़ाएंगे, क्योंकि वर्गमूल ही तो किया था। और जो प्राप्त संख्या यहां पर आती है यही संख्या इस संख्या का वर्गमूल कहलाती है, ये भाग कर लीजिए। उसको भी करके देख लेते हैं क्या है, तो और ज्यादा स्पष्ट हो जाए। यहां पर भी दो संख्या है, देखो एक ये इधर है एक ये इधर, मतलब दो जोड़े बन रहे हैं, है तो पूरी एक ही संख्या। तो हल करने का क्या तरीका, हम यहाँ पर लिखेंगे 4096 और वर्गमूल का चिन्ह अभी बताया कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ लगता है ऐसा, अभाज्य गुणनखंड में नीचे तरफ, दोनों में अंतर समझ पा रहे हैं। और लास्ट में इसमें ऐसा बना देते हैं, जब ये खत्म होने लगे तब बनाएंगे, अभी नहीं बनाएंगे क्योंकि ये पता नहीं कब खत्म होता है। तो हमने जोड़ा बनाना है, एक जोड़ा इधर बना, एक जोड़ा इधर बना, इसमें कितने बन रहे थे, दो तो इसमें बन रहे थे, पर दो का एक बन रहा था, एक का एक बन रहा था, ये समझ पा रहे हैं। तो चलिए अब की बार काम किसका होगा, 40 का, तो शुरू करते हैं जी। नजदीक की क्या, कौन सी संख्या आएगी, तो 4 चौके 16 नहीं बहुत कम है, 5 पचे 25, 6 संख 36, 7 सतम 4, देखो 6 और 7, 6 संख 36 40 से कम है और 7 सतम 49, 7 ज्यादा हो जाता है, तो 6 बार लेंगे हम, 6 संख 36 और फिर इसको घटा देंगे, तो 40 में 10 में से 6 गया 4 और ये कट गया, चाहे शून्य लगा दो ये। अब क्या करते हैं, जो संख्या में ये आपने गुणा करके निकाला था वही संख्या यहां पर एक बार जुड़ती है, तो 6 से 12 बन गया। अब यहां पर ये जो अब आपका दहाई वाला अंक बन गया वो बना है 12, यानी दहाई और सैकड़ा मिलके आ रहे हैं ना, दो अंक आ रहे हैं, तो अब इकाई वाला इधर से आएगा। अब क्या करेंगे, ये 96 में से पूरा 96 उतरेगा, यानी आपके पास अभी 0496 नहीं, अभी 496 पढ़ेंगे, अब इसको हटा भी सकते हैं, शून्य पहले बोलने के कंफ्यूजन की स्थिति का है। अब देखिए क्या करिए, इसको निकालिए किससे बार जाएगा। तो यदि मैं दो का लेता हूं तो दो दूनी चार, दो एक कम, दो बहुत कम है। तीन लेता हूं तो तीन तिरका नौ, तीन दूनी छह, तीन एकम बहुत कम है। चार का लेता हूं तो 4 चौके 16 भी 6, 4 दूनी 8 एक 9, 4 एकम 4, 4 बिल्कुल फिट हो रहा है, तो 4 फिट हो रहा है, तो 4 का भाग दे देते हैं,
तो अब ये बन जाएगा 124 कहलाएगा और यहाँ पर 4 कहलाएगा। चालू करते हैं, 4 चौके 16 भी 6, 4 दूनी 8 एक 9, 4 एकम 4 ये हुआ, और ये घट जाता है। जैसे ही घटता है तो ये पूरा का पूरा मिलके शून्य हो जाता है, अर्थात अर्थात इस 4096 का ये जो वर्गमूल था वो कितना निकला हमारा 64। ये डायरेक्ट वर्गमूल निकल रहा है। और उस अभाज्य गुणनखंड में क्या करते थे, जोड़े निकाल निकाल के एक अलग करते थे, फिर उसको जो भी गुणा करके जितना भी आ जाता था उसमें, इसमें क्या होता है सीधा वर्गमूल निकल रहा है। यानी भागफल विधि में जोड़े जोड़े इस्तेमाल हो रहे हैं और वर्ग वर्ग पहाड़ा इस्तेमाल हो रहा है, यही कारण है कि इसमें जो है उसका मूल सीधा निकल रहा है। अगला प्रश्न लेते हैं, अब कुछ एक आध दो सवाल और लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ और स्पष्ट करते हैं कि इसका मतलब क्या निकला। तो जैसे दो प्रश्न और ले लेते हैं, 1729 और 1296 एक और उठाते हैं। तो जी 729 का निकालने का क्या तरीका, जैसे अभी आपने किया है बिल्कुल वैसे ही लिखना है। ये हुआ 7, ये हुआ 2 और 9, और ये हमने चिन्ह लगाया। पहला जोड़ा इधर से निकला, दूसरा इधर से निकला। काम क्या है हमारा, इसको पहले सॉल्व करना। तो जी देखो, 2 से भाग देते हैं तो 2 दूनी 4, 3 से लेते हैं तो 3 तिरका 9, यानी 2 से कम है और 4 3 वाले से ज्यादा हो जाता है। तो हम क्या लेंगे 2 से, तो 2 दूनी 4 कितना आएगा, इधर से, इधर से आएगा 7 में से 4 गया 3, और ये 2 आके यहाँ पर एक बार जुड़ जाएगा तो 2 में 2 जुड़ के बन जाएगा 4। अब यहाँ पर आया 29, क्योंकि एक साथ ही उतरता है। अब देखिए 9 किसमें किसमें आता है, थोड़ा इसका भी ध्यान किया करिए। 1 में तो आता नहीं, 2 में भी आएगा नहीं, 3 से, तो सीधे ट्रेक 3 पे ट्राई करके देख लीजिए ना। तो 3 यदि मैं लिखता हूं तो 3 तिरका 9, 3 चौके 12 बहुत कम हो गया। अब 9 किसमें आता था, अगर वर्ग पहाड़े में ध्यान दें तो 3 में तो नहीं आएगा, 3 के बाद किसका होता है, 3 के बाद वो आता है सीधे 7 में, तो 7 पे ही ट्राई करो सीधे सीधे, क्योंकि आपको यहाँ समय भी बचाना है, दूसरी बात वो जो अभी पीछे सीखा है आपने उसका इस्तेमाल भी करना है। तो अब बीच की संख्या नहीं ट्राई करेंगे क्योंकि बीच में 6 किसी में, 9 किसी में आएगा नहीं, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्याएं ऑलरेडी पहले से है, तो वर्गमूल इसका बना बनाया आएगा। ट्राई एरर फाइंड जब आएगा, जब हमको ये पता चला कि अशांत दशमलव वाले इलाके में पहुंच गए हैं तब। तो अभी हमको शांत दशमलव वाले इलाके में है, इसलिए अभी हमको ये ध्यान देना है कि ये आखिरी अंक किसमें किसमें आ रहे हैं। तो 7 पे ट्राई करेंगे तो 7 × 7 49, 7 × 4 28, 4 32 जी बिल्कुल। तो 7 × 7 49 की 9 हासिल कर 4, 7 × 4 28 और 4 32 ये देखो जी, या ऐसा लिख दो सीधे। और अंत में फिर ये पूछ लगा दिया करें, ये इसका चिन्ह होता है। तो जब अब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो क्या हो गया, 7 × 2 = 9 यानी 729, और इसका वर्गमूल क्या निकला, ये वाला, ये निकला 27। इसका भी कर लीजिए तो ये आ जाएगा 1296, और इसका वर्गमूल निकालना है। पी चिन्ह लगाया, पहला जोड़ा बनाया, ये दूसरा जोड़ा बनाया। अब हमें जो ये इधर पहले जो आखिरी जोड़ा यानी कि चिन्ह की तरफ होता है, शुरुआत यहां से करनी पड़ती है। तो शुरू करेंगे तो जी 12 है, 3 से शुरू करेंगे, 3 तिरका 9, 4 से लेते हैं 16 ज्यादा हो गया, 3 से लेंगे, 3 तिरका 9 घटाएंगे तो 9 3 12 3 आया, ये 3 फिर से इधर जुड़ेगा, 3 में 3 जुड़ेगा तो ये आ गया 6, ठीक है। अब इधर उतरेगा तो ये 9 और इधर 6 उतरेगा। अब क्या करेंगे जी, 6 किससे आता है, या तो 4 से आएगा या 6 से आएगा, ये अभी आप पढ़ चुके हैं पहले, तो बीच में क्यों ट्राई करना। तो पहले 4 देख लीजिए, 4 लगाता हूं मैं तो 4 से 4 चौके 16 की 6, 4 संग 24 और 25 नहीं गया। अब 5 नहीं ट्राई करेंगे, सीधा 6 पे ट्राई करेंगे, तो 6 लगाते हैं तो 6 संग 36, 6 संग 36 39 बिल्कुल फिट हो रहा है। तो 6 संग 36 की 6, 6 संग 36 39, ये इस तरह करके हमको इसका हिसाब किताब देखना है। और ये इसको लगा दीजिए चिन्ह और यहाँ उड़ा दीजिए, ये हो गया अब 1296, जिसका कि वर्गमूल आ गया 36। अब हम कुछ दूसरे टाइप के सवाल लेते हैं।